हेलो व्यूअर्स, आज का टॉपिक मेरा जो रहेगा वो फर्म्स इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन पे होगा। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक अपील करना चाहता हूँ आप सभी से। इस वक्त लॉकडाउन पीरियड चल रहा है सारे नेशन में, और कोविड-19 की बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है। ऐसे वक्त में मेरी अपील है कि आप लॉकडाउन पीरियड को पूरी तरह से फॉलो करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, सो दैट हम जितनी जल्दी हो सके इस समस्या से निपटें, इसकी चेन टूट जाए और लॉकडाउन पीरियड और ज़्यादा एक्सटेंड ना करना पड़े, मिनिमम लाइफ लॉसेस के साथ हम इससे बाहर आएं। और इकोनॉमिक लॉस भी जो इतना ज़्यादा चल रहा है थ्रू आउट ग्लोब, ये भी कम हो जाए। ये वीडियो उन सभी के लिए फ्रूटफुल प्रूव होगा जिनके पास बिजनेस इकोनॉमिक्स है, चाहे वो स्टूडेंट्स बीकॉम पास कोर्स के हों या बीकॉम वोकेशनल कोर्सेज के हों या बीबीए के स्टूडेंट्स हों, उन सभी के लिए ये फायदेमंद रहेगा। इवन जो स्टूडेंट्स बीए के हैं उनके लिए भी ये सिलेबस के अनुसार ठीक रहेगा। इसके अलावा ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी फ्रूटफुल प्रूव होगा। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ आईईएस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको ये वीडियो आज का बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाएगा और सबके लिए फ्रूटफुल प्रूव होगा। अब इसके बाद मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। आज का जो टॉपिक है इसमें जो क्वेश्चन अराइज होता है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय फर्म्स इक्विलिब्रियम एंड एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इस क्वेश्चन के बेसिकली दो पार्ट्स बनते हैं। पहला पार्ट हम पहले डील करेंगे। इस पहले पार्ट में हमें फर्म के इक्विलिब्रियम का मीनिंग एक्सप्लेन करना होता है। इसमें सबसे पहले फर्म के इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने के लिए आप लिखें स्ट्रेट फॉरवर्ड, अ फर्म इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन शी इज इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट। ये जो स्टेट ऑफ रेस्ट फ्रेज है ये तो बेसिकली फिजिक्स से लिया गया है। अब इसका इकोनॉमिक्स में एक फर्म के दृष्टिकोण से किस प्रकार से यूज किया गया है इसको भी क्वालिफाई किया करें। यहाँ पे इसके ये मीनिंग लिए जाते हैं कि द फर्म इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन शी इज इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट, मीनिंग देयर बाय दैट फर्म हैज गॉट नो टेंडेंसी ऑफ एनी काइंड टू चेंज इट्स लेवल ऑफ आउटपुट। यहाँ पे ये इसका मीनिंग लिया जाता है। लेकिन आप सभी स्टूडेंट्स ये तो जानते ही हैं कि कोई भी फर्म जब इस प्रकार का डिसीजन लेती है कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट पे आके रुकना चाहती है, वो किसी तरह का इंटरेस्ट इंक्रीज में नहीं दिखाती और ना ही आउटपुट लेवल को डिक्रीज करने में कोई इंटरेस्ट रखती है। ऐसा तभी पॉसिबल है यदि उस पर्टिकुलर आउटपुट लेवल पे फर्म के या तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहे हों या फिर यदि लॉसेस इनकर कर रही है फर्म तो मिनिमम लॉसेस पे फर्म वहां पे ऑपरेट कर रही है। क्योंकि दोनों सिचुएशंस में आप इस बात को अच्छे से समझें, यदि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो मैक्सिमम प्रॉफिट आउटपुट लेवल पे फर्म रुकना चाहेगी, क्योंकि यदि आउटपुट लेवल
इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है उसके प्रॉफिट्स में कमी आती है जो कि फर्म के लिए ठीक नहीं रहेगा। इसलिए वहां पे रुकना और स्टेट ऑफ रेस्ट में आना ठीक रहेगा और वहीं पे फर्म इक्विलिब्रियम में कहलाती है। इसी प्रकार से दूसरी सिचुएशन जो लॉसेस वाली है, यदि फर्म को लॉसेस इनकर भी हो रहे हैं सो फर्म की कोशिश रहेगी कि मिनिमम लॉसेस के साथ ऑपरेट किया जाए। इसलिए यदि एक पर्टिकुलर आउटपुट लेवल पे फर्म का मिनिमम लॉसेस हो जाते हैं उससे इंक्रीज करने में या आउटपुट लेवल डिक्रीज करने में फर्म के लॉसेस बढ़ते हैं, ऐसे में फर्म के लिए बेटर होगा कि उसी पर्टिकुलर आउटपुट लेवल पे स्टिक कर जाए और फर्म स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगी। ये बोलने का एक तरीका बन गया और फर्म इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। इसके मीनिंग ये हो गए कि फर्म का ये जो इक्विलिब्रियम है या तो ये मिनिमम लॉसेस की सिचुएशन में होता है या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट्स के साथ होता है। ये चीजें एक्सप्लेन करने के बाद एक डेफिनेशन जोड़ दें फर्म्स इक्विलिब्रियम की। इसके बाद इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है जिसमें हमें फर्म के इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करना होता है। सबसे पहले मैं एक आउटलाइन तैयार कर देता हूं जो कि माइंड में रखनी होती है। इस सारे क्वेश्चन का आंसर आप माइंड में इस प्रकार से रखें कि फर्म के इक्विलिब्रियम की एक्सप्लेनेशन को आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया करें। एक पार्ट है जहां पे कि आप टोटल मेथड की हेल्प लेते हो और दूसरा पार्ट है जहां कि मार्जिनल मेथड की हेल्प लेते हो। टोटल मेथड में टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट की हेल्प ली जाती है जबकि मार्जिनल मेथड में मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू की हेल्प ली जाती है। इसके बाद मैं एकदम से मूव करता हूं बोर्ड की तरफ जहां पे कि कुछ डायग्राम्स ऑलरेडी ड्रॉ किए गए हैं, उनकी हेल्प से हम आगे का पोर्शन क्लियर करते हैं। यहां पे देखें दो अप्रोचेस यानी के दो मेथड से फर्म के इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन किया जाता है। पहला मेथड टोटल मेथड है जिसमें टीआर और टीसी की हेल्प ली जाती है। दूसरा मेथड मार्जिनल मेथड है जिसमें एमआर और एमसी की हेल्प ली जाती है। सो पहले हम टोटल मेथड से इसको एक्सप्लेन करेंगे जिसको कि फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला केस ये वाला डायग्राम वन वाला लेंगे जिसमें कि टीआर और टीसी की हेल्प लेकर के मैक्सिमम प्रॉफिट्स के साथ फर्म के इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन किया गया है जबकि दूसरे डायग्राम में टीआर और टीसी की हेल्प से मिनिमम लॉसेस के साथ फर्म के इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन किया गया है। अब पहले डायग्राम में आप आए, इस डायग्राम में हमने टीआर ड्रॉ कर लिया, टीसी ड्रॉ कर लिया और आप यहां पे देखते हैं कि ये जो टीसी है ये दो जगह दो पॉइंट्स पे पॉइंट ए और पॉइंट बी दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ये दोनों पॉइंट्स ही ब्रेक इवन पॉइंट जिनको शॉर्ट में बीईपी कहते हैं, ये ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट कहा जाता है जिसमें कि फर्म को ना तो लॉस हो रहे हैं ना ही प्रॉफिट हो रहे हैं। अब आप नीचे देखें कि OQ1 आउटपुट लेवल पे फर्म को कोई लॉस या कोई प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं। इसी प्रकार से OQ2 आउटपुट लेवल पर भी फर्म को कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हो रहे हैं। इसके मीनिंग ये निकलेंगे कि OQ1 आउटपुट लेवल से पहले फर्म को लॉस हो रहा है। यहां देखने से भी पता चलता है कि टीसी का कर्व ऊपर है, टीआर का कर्व नीचे है जो कि लॉसेस को शो कर रहा है। इसमें
फर्म को रुकना नहीं चाहिए, फर्म को अपने आउटपुट लेवल को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार से OQ2 आउटपुट लेवल के बाद फिर सिचुएशन इस प्रकार की अराइज हो रही है कि टोटल कॉस्ट का कर्व फिर ऊपर चला जाता है और TR कर्व नीचे है, फिर ये लॉसेस को इंडिकेट कर रहा है। इसका मीनिंग ये निकलेगा कि फर्म OQ2 आउटपुट लेवल से ज्यादा इंक्रीज ना करे, क्योंकि ऐसा करने पे फर्म को लॉसेस होते हैं। इसलिए कंक्लूजन ये निकला कि फर्म को OQ1 आउटपुट लेवल से पहले रुकना नहीं चाहिए और OQ2 के बाद एंटर नहीं करना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। आप देखते हैं कि Q1 और Q2 आउटपुट लेवल के बीच में जितना भी आउटपुट लेवल है वो सारे के सारे प्रॉफिट को शो कर रहे हैं। इसमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट आउटपुट लेवल है वो फर्म चुन लेती है। हमारे इस डायग्राम में हमने शो किया है कि OQ आउटपुट लेवल पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, यहां से जस्टिफाई भी होता है। ये C और D जो डिफरेंस है ये मैक्सिमम प्रॉफिट को इंडिकेट कर रहा है। इसलिए कंक्लूजन ड्रॉ कर दें कि जब फर्म OQ आउटपुट लेवल प्रोड्यूस कर रही है, फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहे हैं, वो यहां पे स्टॉप करना चाहती है, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में यहां पे होती है और फर्म इक्विलिब्रियम में कहलाती है। आप यहां एक छोटी सी इक्वेशन लिखी हुई भी देख रहे हैं, पाई इज इक्वल टू टी आर माइनस टी सी। पाई प्रॉफिट के लिए लिया गया है और टी आर और टी सी का जो गैप है वो इनफैक्ट प्रॉफिट को ही इंडिकेट करता है। यदि दोनों का नेट बैलेंस पॉजिटिव है तो ये प्रॉफिट माने जाएंगे, और यदि दोनों का नेट बैलेंस माइनस में है तो ये लॉसेस माने जाएंगे। इस प्रकार से इस डायग्राम में फाइनली ये कंक्लूजन निकाल दें कि जब फर्म OQ आउटपुट लेवल प्रोड्यूस कर रही है, फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहे हैं, जो कि बाद में एक अलग से कर्व से जिसको TPC कहा गया है, टोटल प्रॉफिट कर्व है, ये यहां पे इंडिकेट किया गया है कि यहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट फर्म को हो रहे हैं। अब यदि फर्म Q आउटपुट लेवल से थोड़ा इंक्रीज भी करे तो प्रॉफिट में कमी आ जाती है, इसलिए फर्म ऐसा नहीं करती। इसी प्रकार से यदि आउटपुट लेवल Q से कम आउटपुट करती है तो यहां पे भी फर्म के प्रॉफिट में कमी आ जाती है, फर्म ऐसा भी नहीं करना चाहती। फाइनली कंक्लूजन निकलेगा कि जब फर्म OQ आउटपुट लेवल प्रोड्यूस करती है, यहां फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो रहे हैं और फर्म इक्विलिब्रियम में है। इसी प्रकार से अब दूसरे डायग्राम पे आ जाओ, जिसमें कि हमने फर्म के इक्विलिब्रियम को मिनिमम लॉसेस के साथ एक्सप्लेन किया है। इसमें आप देखते हैं बहुत ही क्लियर ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, जिसमें कि एक पर्टिकुलर आउटपुट लेवल OQ पे हमने शो किया है कि TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहां TR से टच करती हुई जा रही है, और जो TC टोटल कॉस्ट और TVC का गैप है वो AB के बराबर है। ये यहां पे मिनिमम लॉसेस को शो कर रहे हैं, जिसका मीनिंग ये निकल रहा है कि फर्म को केवल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर का लॉस हो रहा है और वो इन लॉसेस को बेयर करते हुए प्रोडक्शन कर रही है, और मौजूदा हालातों में ये मिनिमम लॉसेस हैं और फर्म OQ आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, सो फर्म यहीं पे स्टे करना चाहेगी, यहीं पे रुकना चाहेगी और फर्म स्टेट ऑफ रेस्ट में होगी, सो फर्म इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। इसके बाद हम मार्जिनल अप्रोच पे आते हैं। मार्जिनल अप्रोच में MR और MC की हेल्प ली जाती है, लेकिन साथ में हम यहां पे दो कंडीशंस स्पेसिफाई करते हैं
जिसमें की पहली कंडीशन MC is equal to MR वाली कंडीशन है, हम इसको necessary condition भी कहते हैं और mathematics में इसको first order condition भी कहा जाता है. Second condition है MC must be rising, या कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं कि MC curve must cut MR curve from below, और इसको sufficient condition के नाम से जाना जाता है, या फिर मैथमेटिक्स में ये सेकंड ऑर्डर कंडीशन के नाम से जानी जाती है. जब कोई फर्म इन दोनों कंडीशंस को फॉलो कर लेती है, सेटिस्फाई करती है, तो फर्म इक्विलिब्रियम में आ जाती है. अब इस मेथड में फर्म के इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने के लिए आप अपना अगला पोर्शन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया करें. पहला पार्ट शॉर्ट पीरियड का बना लें और दूसरा पार्ट लॉन्ग पीरियड का बना लें. पहले पार्ट में जो कि शॉर्ट पीरियड वाला पार्ट है, इसमें तीन पॉसिबिलिटीज के साथ फर्म इक्विलिब्रियम में हो सकती है. पहली पॉसिबिलिटी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स की है, दूसरी पॉसिबिलिटी नॉर्मल प्रॉफिट्स की होती है, और तीसरी पॉसिबिलिटी मिनिमम लॉसेस की हो सकती है. अब पहली पॉसिबिलिटी जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स की है, आप यहां पे ये भी क्लियर कर लें कि फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कब मिलते हैं. जब फर्म का एआर एसी से ग्रेटर होता है तो फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलते हैं, लेकिन यदि फर्म का एआर एसी के इक्वल हो जाए तो फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलते हैं, और यदि AR AC से लेस हो जाए तो फर्म को लॉसेस होते हैं. मैंने इनमें इंडिकेट कर दिया है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स डायग्राम 3 में एक्सप्लेन किया गया है, नॉर्मल प्रॉफिट्स डायग्राम 4 में एक्सप्लेन किया गया है, और मिनिमम लॉसेस वाला फर्म इक्विलिब्रियम डायग्राम 5th में हमने एक्सप्लेन किया है. अब सबसे पहले फर्म का इक्विलिब्रियम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी के साथ टेकअप करना है डायग्राम नंबर 3 में, जो कि यहां पे है. मैंने यहां पे स्पेसिफाई भी किया है इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म विद सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स. इस डायग्राम में आप देखें कि एक्स एक्सिस पे आउटपुट को ले लिया गया है, वाई एक्सिस पे कॉस्ट एंड रेवेन्यू को लिया गया है. फर्म का AR MR कर्व हमने तैयार कर लिया है, AC कर्व ड्रॉ कर लिया है, MC कर्व ड्रॉ कर लिया है. दोनों के साथ हमने S वर्ड भी यूज किया है जो कि शॉर्ट पीरियड को इंडिकेट कर रहा है. इस डायग्राम में आप देखते हैं कि फर्म का AR Q से लेकर E तक है. कैसे मापा जाता है? जहां पे Q से चलते हैं, जहां पे AR का कर्व आ जाता है, वहीं पे रुक जाना होता है. तो Q से लेकर E तक जब हम आते हैं, ये AR है, यानी कि Q E के बराबर AR है. और इस डायग्राम में AC भी मापी जानी है. Q से फिर दोबारा से चलें, जहां पे AC आएगी वहीं पे स्टॉप करना है. ये E1 पे आ जाती है क्योंकि ये AC का कर्व है. अब Q से लेके E1 तक हमारी AC हो जाती है. इस डायग्राम में आप देखेंगे कि AR ज्यादा है Q से लेके E तक है, और AC कम है Q से लेके E1 तक है, जिसका मीनिंग हो गया कि AR greater than AC है, जो कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को इंडिकेट कर रहा है. यहां पे आप जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स बताते हो तब पर यूनिट का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी बताया करें और टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी बताया करें. पर यूनिट का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट E1 के बराबर का होगा, और टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बताने के लिए E1 से एक परपेंडिकुलर Y पे लेकर के आएं, P1 पॉइंट से इंडिकेट यहां पे हमने किया है, और ये जो शेडेड एरिया टोटल हमने शो किया है, जिसको आप कहें कि टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स जो हैं वो शेडेड एरिया P1 E1 E के बराबर का है. और इतना ही एक्सप्लेन करके
ये डायग्राम आपका एक्सप्लेन माना जाएगा. इसके बाद आप सेकंड डायग्राम पे आ जाएं, जो कि डायग्राम नंबर 4 हमने यहां पे लिखा है. इसमें नॉर्मल प्रॉफिट्स के साथ फर्म इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन किया गया है. यहां पे आप देखते हैं कि हमने एसएसी को एआर एमआर कर्व से टच करता हुआ टेक अप किया है. लेकिन यहां पे जब आप देखते हैं कि एसी कितनी है क्यू से लेके ई तक, एआर कितना है अगेन क्यू से लेके ई तक है, यानी कि दोनों बराबर हैं. हमने यहां पे इंडिकेट भी कर दिया कि इस डायग्राम में AR is equal to AC है, that means firm को only normal profits हो रहे हैं, लेकिन firm equilibrium में है, और ये equilibrium हम E point से indicate करते हैं. यहाँ पे भी हमने E point से indicate किया था, आगे भी diagrams में हम E point से indicate करेंगे. अब सबसे पहले जब भी आप diagram को explain करें, सबसे पहले ये बता दिया करें कि इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका कौन सा है, और उसको सपोर्ट किया करें कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे फर्म के इक्विलिब्रियम वाली ये जो दो शर्तें, टू कंडीशंस स्पेसिफाई हमने की थी, ये यहां पे सेटिस्फाई हो रही हैं. इसका मीनिंग क्या हो गया कि इस डायग्राम में फिर एक बात से देख लें कि जब फर्म ओक्यू आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, ओपी प्राइस पे अपना प्रोडक्ट बेच रही है, फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है और फर्म इक्विलिब्रियम में है. इस डायग्राम में आप देखें कि जब फर्म ओक्यू आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, ओपी प्राइस पे अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर रही है, फर्म ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है, लेकिन यहां पे ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा करके ही फर्म इक्विलिब्रियम में है. अब इसके बाद हम मिनिमम लॉसेस पे आते हैं, जो कि डायग्राम नंबर 5 में एक्सप्लेन किया गया है. डायग्राम नंबर 5 ये है, इसमें हमने स्पेसिफाई भी किया है, इसमें उसी तरह से एआर एमआर कर्व ड्रॉ कर लिया है हमने, और एसी कर्व और एमसी कर्व भी ड्रॉ किए हैं. लेकिन इस डायग्राम में हमने प्रिकॉशन क्या ली है कि SAC कर्व को AR कर्व से ऊपर रखा, यानी कि दोनों में हमने गैप किया है, क्योंकि यही गैप लॉसेस को शो करेगा. अब इस डायग्राम में सबसे पहले ये बताएं कि हमारी फर्म E पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है. यदि क्वेश्चन अराइज करें कि क्यों, आंसर करें क्योंकि फर्म इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशंस यहीं पे सेटिस्फाई हो रही हैं. आप हर डायग्राम में ऐसे देख लिया करें, एक बार बर्ड आई व्यू ले लिया करें. ये हमारा एमसी का कर्व है और ये हमारा एमआर का कर्व है, यहीं पे ही ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और फर्म के इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशंस इसी पॉइंट पे पूरी हो रही हैं. अब आप मेजर करें एआर कितना है फर्म का, तो क्यू से लेके ई तक एआर बन रहा है इस डायग्राम में. अब एसी कितनी है ये मेजर कर लें, क्यू से लेके E1 तक एसी हमारी बनी है. इसका मीनिंग ये हुआ कि इस डायग्राम में एसी ज्यादा है, क्यू E1 है, और एआर कम है, क्यू ई है. सो दोनों में गैप है. हमने यहां इंडिकेट किया है एआर एसी से लेस है, या फिर उल्टा बोल दें एसी एआर से ग्रेटर है. और ये ऐसा होने पे फर्म को लॉस है, तो लॉसेस पर यूनिट कितने बने, पर यूनिट लॉस E1 ये जो गैप आप देख रहे हैं इस गैप के बराबर के हैं, जबकि टोटल लॉसेस ये जो सारा शेडेड एरिया बना है P1 E1 E के बराबर का शेडेड एरिया, ये टोटल लॉसेस को शो कर रहा है. लेकिन ये बात याद रखें कि इसमें फर्म को लॉसेस तो हो रहे हैं, लेकिन मिनिमम लॉसेस की बात आपने यहां पे जरूर कहनी है. अब इसी में ही एक और डायग्राम हमने लिया है, जो कि डायग्राम नंबर 6 हमने यहां पे मेंशन किया है. ये शटडाउन पॉइंट के लिए अलग से बनाया गया है, क्योंकि यहां पे ये क्वेश्चन भी अराइज होता है कि
जैसे कि यहां वर्ड मिनिमम लॉसेस हमने यूज किया है, तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या फर्म के कोई मैक्सिमम लॉसेस भी होंगे, मैक्सिमम लॉसेस कितने हो सकते हैं। और ये मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि फर्म के मैक्सिमम लॉसेस फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हो सकते हैं जो फर्म बेयर कर सकती है और अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सकती है। जब भी लॉसेस फिक्स्ड कॉस्ट से ज्यादा के होने लगते हैं, फर्म इमीडिएटली डिसीजन लेती है कि वो प्रोडक्शन सस्पेंड कर देती है। अब हमने इस डायग्राम में शटडाउन पॉइंट को समझना है। आप इस डायग्राम में देखें कि बेसिकली हमने ये जो डायग्राम है सेम पहले ये डायग्राम मिनिमम लॉसेस वाला बनाया है, लेकिन इसमें एक कर्व एक्स्ट्रा डाल करके SAVC नाम का एक कर्व एक्स्ट्रा डाल करके यहां पे शो करने की कोशिश की है कि जो AR है वो AVC के बराबर है। असल में AR AVC के बराबर जब भी होगा तो वो शटडाउन पॉइंट को इंडिकेट करेगा। इस प्रकार से ये जो E पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट फर्म का शो किया हुआ है यही शटडाउन पॉइंट बन जाएगा। यहां पे जो फर्म को लॉसेस हो रहे हैं वो फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर के हैं, लेकिन फिर भी फर्म बेसिकली शट डाउन नहीं करती है, यानी कि अपने प्रोडक्शन को सस्पेंड नहीं करती है, प्रोडक्शन कंटिन्यू करती है। ऐसी सिचुएशन में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि जब फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो फर्म क्यों प्रोडक्शन को सस्पेंड नहीं कर देती, एक्चुअल में शट डाउन क्यों नहीं कर देती। इसका आंसर है स्टूडेंट्स कि यदि फर्म स्टॉप भी करती है, अपने प्रोडक्शन को सस्पेंड भी करती है, तब भी लॉसेस फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर के उसको बेयर करने होते हैं, बेयर करने पड़ते हैं। और यदि वो प्रोडक्शन कंटिन्यू करती है फिर भी लॉसेस फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर के ही हैं। लेकिन फर्म एक एंटरप्रेन्योरियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेके चलती है कि यदि प्रोडक्शन कंटिन्यू किया जाए तो हो सकता है आने वाले दिनों में वो अपने लॉसेस कम कर पाए और धीरे धीरे प्रॉफिट्स की तरफ बढ़ पाए। तो इसलिए यहां पे शटडाउन पॉइंट पे एक्चुअली फर्म शटडाउन नहीं करती है, इससे ज्यादा लॉसेस यानी कि जब फर्म को लॉसेस वेरिएबल कॉस्ट में से भी होने लग जाते हैं तो फर्म एक्चुअल में शटडाउन करती है, यानी कि अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी को सस्पेंड कर देती है। इस प्रकार से ये सारे डायग्राम्स एक्सप्लेन करने पे हमारा जो शॉर्ट पीरियड है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसमें कि तीन पॉसिबिलिटीज बता दी गई हैं, साथ में शटडाउन पॉइंट का पॉइंट का डायग्राम भी एक्सप्लेन कर दिया है हमने। इसके बाद हम लॉन्ग पीरियड पे आते हैं। लॉन्ग पीरियड में सिंगल पॉसिबिलिटी के साथ फर्म का इक्विलिब्रियम दिखाना है और वो सिंगल पॉसिबिलिटी नॉर्मल प्रॉफिट्स वाली पॉसिबिलिटी ही रहेगी। यहां पे लॉन्ग पीरियड में कोई चांस लॉसेस का नहीं बनता और ना ही कोई चांस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स का बनता है, जैसा कि शॉर्ट पीरियड में बनता है। अब क्वेश्चन ये भी अराइज हो जाता है कि ऐसा क्यों, यहां पे केवल सिंगल पॉसिबिलिटी नॉर्मल प्रॉफिट्स की क्यों होती है। और इसका आंसर है कि लॉन्ग रन में जो परफेक्ट कंपटीशन की एक कंडीशन है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स, वो ऑपरेट करने लग जाती है। और इस प्रकार उसके ऑपरेट करने से जिन फर्म्स को लॉस हो रहे होते हैं वो धीरे धीरे एग्जिट करती हैं और आउट हो जाती हैं। और इसी प्रकार से यदि कुछ फर्मों को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं, उनको देख करके बाहर से फिर कुछ फर्में एंटर करने लग जाती हैं और उनके एंटर करने से आउटपुट लेवल इंक्रीज होने लग जाता है, जिसके कारण सप्लाई बढ़ने लग जाती है और प्राइस लेवल डाउन आने लग जाता है। और ये सिलसिला, ये प्रोसेस तब तक जारी रहती है तब जब तक सभी फर्म्स को ओनली एंड ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं मिलते।
इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यहां पे कोई चांस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स का नहीं बनेगा और ना ही कोई चांस लॉसेस का बनेगा। यदि कोई फर्म इक्विलिब्रियम में होगी तो वो केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट्स के साथ ही होगी। अब ये जो डायग्राम हमने बनाया है, बेसिकली इस डायग्राम में आप देखें कि ये जो नॉर्मल प्रॉफिट्स वाला डायग्राम था, आप उसको पहले बना लिया करें। उसमें दो कर्व्स एक्स्ट्रा जो कि शॉर्ट पीरियड के कर्व्स हैं वो इंट्रोड्यूस कर दिया करें, डाल दिया करें। और ये दो कर्व्स हैं, एक एसएसी और एक एसएमसी। इस प्रकार से आप देखते हैं कि फर्म का जो इक्विलिब्रियम है वो ई पॉइंट पे शो करना है, क्योंकि फर्म के इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशंस यहीं पे सेटिस्फाई हो रही हैं। लेकिन आप देखते हैं साथ में यहां इंडिकेट भी किया गया है कि जो एआर है वो एलएसी के बराबर है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ही आप देखते हैं कि फर्म एलएसी के मिनिमम पॉइंट पे ऑपरेट कर रही है। दैट मींस ये जो आउटपुट लेवल है, ओक्यू आउटपुट लेवल, ये ऑप्टिमम आउटपुट लेवल है। और साथ ही यहां पे डायग्राम में देखने से पता चलता है कि जो एसएसी के मिनिमम पॉइंट पे ऑपरेट कर रही है, जो कि प्लांट को शो करता है, दैट मींस फर्म प्लांट का भी फुल यूटिलाइजेशन कर रही है। इसीलिए इस मार्केट को हम आइडियल मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आउटपुट लेवल भी ऑप्टिमम आउटपुट लेवल मेंटेन किया जाता है, प्राइसेस भी मिनिमम पॉसिबल हो जाती हैं, कंज्यूमर्स को फायदा जाता है। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि प्लांट का फुल यूटिलाइजेशन होता है और नेशनल रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन होता है। इन सारे दृष्टिकोणों से ये मार्केट सबसे आइडियल मार्केट मानी गई है। इतना एक्सप्लेन करने पे ये लॉन्ग पीरियड का आपका सारा एक्सप्लेन हो जाएगा। लास्ट में मैं कुछ प्रिकॉशंस भी आपके साथ शेयर कर लेता हूं जो कि एक स्टूडेंट को लेनी चाहिए, और वो है नंबर वन प्रिकॉशन, जब फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट आप फाइंड आउट करते हैं वहां पे गलती ना किया करें। फर्म के इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस जिस पॉइंट पे सेटिस्फाई हो रही हो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट टेकअप किया करें, फिर गलती नहीं होगी। इसी प्रकार से सेकंड प्रिकॉशन आप ये लिया करें कि एक्स एक्सिस पे क्या मेजर कर रहे हैं ये जरूर मेंशन किया करें, और वाई एक्सिस पे क्या मेजर कर रहे हैं वो जरूर मेंशन किया करें। इन सारे डायग्राम्स में आप देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे आउटपुट मेजर किया गया है, जबकि वाई एक्सिस पे जो टोटल मेथड में दो डायग्राम बने थे वहां पे टी आर टी सी एंड प्रॉफिट को लिया गया है, जबकि इधर मार्जिनल मेथड में जितने भी डायग्राम हमारे बने हैं वो कॉस्ट एंड रेवेन्यू को वाई एक्सिस पे लिया गया है। इसी प्रकार से एक तीसरा प्रिकॉशन भी लिया करें कि कई बार ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है स्टूडेंट्स को कि डायग्राम में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं या नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉसेस हो रहे हैं। आप इसको एआर और एसी की हेल्प से मेजर कर लिया करें। यदि आप डायग्राम में देखते हैं कि एआर एसी से ज्यादा है तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, यदि एआर एसी दोनों इक्वल हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, और यदि एआर एसी से लेसर है तो फिर लॉसेस हैं। ये प्रिकॉशंस यदि आप लेंगे तो सारा जो डायग्राम से आपका ये क्वेश्चन एक्सप्लेन हो जाता है। और यहीं पे मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। थैंक यू।